आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव जहां पर शक्ति रानी शर्मा कालका विधानसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी हैं। कालका विधानसभा से अब आज नॉमिनेशन की तारीख भी है। शक्ति रानी शर्मा नामांकन करेंगी आज, और यानी कि पर्चा दाखिल करेंगे, और उससे पहले रोड शो होगा। रोड शो के जरिए ताकत एक तरीके से, शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से दिखाने की कोशिश होगी, और ये जो रोड शो होगा वो लोगों के सपोर्ट को भी दिखाएगा। ये बताएगा कि शक्ति रानी शर्मा के सपोर्ट में लोगों का हुजूम कैसे उमड़ता है। कालका विधानसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी हैं, साफ छवि की नेता रही हैं, अंबाला से जीतकर आने वाली पहली महिला मेयर शक्ति रानी शर्मा जो आज नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए जाएंगी। साहिल रुखाया इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इंडिया न्यूज संवाददाता। साहिल, आज शक्ति रानी शर्मा के लिए खास दिन है, नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साथ में मौजूद रहने वाले हैं, लेकिन उससे पहले होगा रोड शो, यानी कि वो लोगों का सपोर्ट नजर आएगा जो लोग शक्ति रानी शर्मा को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, कालका विधानसभा से बीजेपी की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा जो है आज अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रही है। इससे पहले रोड शो होगा, और रोड शो से पहले मां काली के चरणों में शीश झुकाकर जो है इसकी शुरुआत जो है वो शक्ति रानी शर्मा की ओर से की जाएगी। जब शक्ति रानी शर्मा की ओर से इससे पहले रोड शो किया गया था, तो रोड शो के दौरान जिस तरीके से वहाँ मां काली के दर्शन किए थे, वहाँ पूजा अर्चना की गई थी, मां काली के चरणों में शीश झुकाया गया था, तो लगातार शक्ति रानी शर्मा को कालका विधानसभा क्षेत्र से लोगों का प्यार, लोगों का जन समर्थन जो है वो लगातार मिल रहा है, और आज जो है अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाली है शक्ति रानी शर्मा, और रोड शो के जरिए शक्ति रानी शर्मा की ओर से पहले ताकत दिखाई जाएगी, उसके बाद नॉमिनेशन जो है वो फाइल किया जाएगा। जिस तरीके से लगातार हरियाणा के अंदर चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनाव प्रचार जो है वो जोरों शोरों पर चल रहा है, तो इसी कड़ी के तहत आज बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा की ओर से भी नॉमिनेशन जो है वो फाइल किया जाएगा। जी, आप बता रहे हैं कि शक्ति रानी शर्मा ईश्वर के आशीर्वाद के साथ दिन की शुरुआत करेंगी, और नायब सिंह सैनी साथ में मौजूद रहेंगे। जाहिर सी बात है, शक्ति रानी शर्मा के परिवार के सदस्य उनके साथ में रहेंगे, और सभी के साथ ही नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए वो पहुंचेंगी। आप मेरे साथ में रहिएगा साहिल, कुछ तस्वीरें भी मिल रही हैं, तस्वीरें जो कि दर्शकों को दिखाएंगे, सुनाएंगे, कुछ रिएक्शंस भी हैं। शक्ति रानी शर्मा कुछ बोल रही है। देखिए, मैं बाहरी नहीं हूँ, ये एक गलत फहमी फैलाई जा रही है। मैंने 2014 में भी यहाँ से इलेक्शन लड़ा था, और उसके पहले भी हमारे परिवार के संबंध इस क्षेत्र से रहे हैं। मेरे ससुर जी का कारोबार भी यहाँ रहा है, और एक अंबाला एक पूरा जिला हुआ करता था, उस वक़्त से हम इसके हिस्सेदार हैं। तो मैं बाहरी कहीं से भी नहीं हूँ, ये गलत फहमी जो भी फैला रहा है ये उसको मैं खारिज करती हूँ। देखिए, शहर के विकास के लिए तो सबसे पहले मूलभूत चीज़ें चाहिए होती हैं, और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है वो पेयजल की है, पीने के पानी की है। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने मैं घर घर नल पहुँचाने का एक कार्यक्रम शुरू किया था। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि हमारे यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने उसके लिए काम क्यों नहीं किया, क्यों नहीं लोगों के घरों में जल पहुँचाया। जब एक योजना है तो उसको लोगों तक पहुंचानी चाहिए थी, ये क्यों नहीं हुई। देखिए, इनका भरपूर समर्थन मिल रहा है, हर वर्ग से समर्थन मिल रहा है, और व्यापार मंडल का बहुत बड़ा स्तंभ है ये पूरे शहर का, और इनका समर्थन मिलना एक बहुत बड़ा मायना रखता है। शक्ति रानी शर्मा जो कह रही हैं कि मेरा पुराना रिश्ता रहा है कालका के सीट से, और मैं विश्वास रखती हूँ कि लोगों का सपोर्ट जो है वो बेहतर तरीके से हमें मिलेगा। शक्ति रानी शर्मा के लिए आज खास दिन है, नॉमिनेशन वो दाखिल करने वाली हैं, और उससे पहले ईश्वर की आराधना भी होगी, और ये देखिए किस तरीके से फूल मालाएँ पहनाई जा रही हैं, उनका अभिवादन किया जा रहा है। इस अभिवादन को बहुत प्यार और स्नेह के साथ स्वीकार कर रही हैं शक्ति रानी शर्मा, और उसके बाद में आज नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। इससे पहले हमने देखा कि चुनाव प्रचार के दौरान कैसे रोड शो किए गए, और कैसे राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा उनके साथ में मौजूद रहे। साहिल मेरे साथ में है। साहिल,
अभी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर शक्ति रानी शर्मा बात कर रही थी मीडिया से, ये क्या कार्यक्रम है? कुछ लोगों की मौजूदगी भी है। बिल्कुल, ये कल का कार्यक्रम है जब व्यापार मंडल की ओर से एक कार्यक्रम जो है वो रखा गया था, जिन्हें व्यापार मंडल की ओर से ऐलान कर दिया गया कि हम इस दौरान जो है वो भाजपा की प्रत्याशी को विजय बनाकर यहाँ से भेजेंगे। तो लगातार कालका विधानसभा के अंदर जो कार्यक्रम है वो लगातार शक्ति रानी शर्मा के चल रहे हैं। कल मोरनी इलाके में भी कार्यक्रम थे, क्योंकि लगातार जो है इस इलाके में बारिश जो है वो कल देखने को मिल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है शक्ति रानी शर्मा का प्रचार प्रसार जो है वो जोरों पर था और लगातार लोगों का प्यार और लोगों का समर्थन जो है वो इस दौरान देखने को मिल रहा था। तो जिस तरीके से आपने जिक्र किया, अभी मैंने देखा कि लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से जो यहाँ के मौजूदा विधायक है प्रदीप चौधरी, उनके कार्यकाल के अंदर कोई विकास काम जो है वो नहीं हुए। अगर कालका पिंजोर की बात की जाए तो यहाँ की सड़कें जो है वो जर्जर हालत हो चुकी है, पानी की समस्याएं जो है वो लगातार यहाँ देखने को मिल रही है। तो ऐसे में लोग जो है वो काफी परेशान जो है वो देखे जा सकते हैं, क्योंकि सरकार की ओर से भी, ये भी पहले जिस तरीके से मनोहर लाल की ओर से कहा गया था कि सबका साथ सबका विकास के तहत उन्होंने सभी विधायकों को विकास के लिए ग्रांट दिए, लेकिन उसके बावजूद भी विकास ना होना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जो है वो विधायक पर खड़ा होता है और लोग यहाँ काफी परेशान जो है वो देखे जा सकते हैं। तो इस बार लगातार लोगों का जन समर्थन और प्यार जो है वो शक्ति रानी शर्मा के प्रति देखने को मिल रहा है। प्यार और सपोर्ट शक्ति रानी शर्मा को मिल रहा है और ऐसे में काफी ज्यादा दिलचस्प तस्वीरें सामने आ रही हैं। और आज जब वो नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए जाएंगी तो रोड शो भी होगा, रोड शो में लोगों का हुजूम भी उमड़ेगा और ईश्वर के आशीर्वाद के साथ पहुंचेंगी। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक साहिल ये रोड शो होने वाला है और क्या आम लोगों का जमावड़ा भी इसमें रहेगा? और रोड शो के दौरान क्या मुख्यमंत्री साथ में मौजूद रहेंगे या नॉमिनेशन के टाइम रहेंगे? बिल्कुल, भाजपा कार्यालय कालका से ये जो रोड शो है वो शुरू होगा और उसके बाद जो है कार्यक्रम जो है एक ग्राउंड के अंदर किया गया, वहां से संबोधित किया जाएगा और उसके बाद नॉमिनेशन जो है फाइल किया जाएगा। इससे पहले माँ कालका के जो है वो दर्शन जो है वो किए जाएंगे और उसके बाद चुनावी रण में जो है शक्ति रानी शर्मा वो उतरने वाली है। और जिस तरीके से लगातार उनके द्वारा कार्यक्रम जो है वो पिंजौर और कालका विधानसभा क्षेत्र में किए जा रहे हैं, तो आज काफी संख्या में जो उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, यहाँ के लोग हैं, उन्होंने तैयारियां जो है वो कर ली है और कुछ ही देर में जो कार्यकर्ता समर्थक और यहाँ के लोकल जो लोग हैं वो कार्यालय में पहुंच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं काफी भीड़ जो है वो देखी जा सकती है। तस्वीरें भी हम आपको उस वक्त की दिखाएंगे जिस वक्त नॉमिनेशन फाइल करने जो भाजपा प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा जाएंगी, तो उस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से लोगों का प्यार जन समर्थन जो है वो शक्ति रानी शर्मा को लगातार मिल रहा है। ठीक है साहिल रुखाया, नजर आप रखिएगा, आगे रोड शो की तस्वीरें सामने आएंगी तो वो तस्वीरें भी दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। फिर नॉमिनेशन दाखिल करने